एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। खुद गौर से देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहे दानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पिछवाड़े में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहे दानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जा, मेरा मसला नहीं है ये। मायूस चूहे ने जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते हुए लूटपोट होने लगा। उसी रात चूहे दानी में खटाक की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बीवी ने उसको निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल रहा था कि ये खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुँचे, जिनके खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन मुर्ग को ज़िबा किया गया। कुछ दिनों के बाद किसान की बीवी मर गई। जनाजा और मौत और ज़ियाफ़त में बकरा परोसने के अलावा कोई चारा ना था। चूहा दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपने मसले बताए और आपको लगे कि ये मेरा मसला नहीं है तो इंतजार कीजिए और दोबारा सोचे कि हम सब खतरे में हैं। समाज का एक उज़्व, एक तबका, एक शहरी खतरे में है तो पूरा मुल्क खतरे में है। जात, मजहब और तबके के दायरे से बाहर निकलिए, खुद तक महदूद मत रहिए, दूसरों का एहसास कीजिए। पड़ोस में लगी आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है।